हाय गाइस, वेलकम टू अंदर ब्लॉग ऑफ व्लॉग सिंह। तो सारा दिन निकल गया, मैं घर पे बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा टेंस था कि कल ट्यूसडे और कोई कंटेंट नहीं है, और दोपहर का टाइम था तो बाहर निकलने का मन भी नहीं करता, और अभी शाम के टाइम मैंने सोचा चलो ठंडे में निकलते हैं बाहर और जाके थोड़ा कुछ रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी मैं आया हुआ था अपना मॉल के बाहर, और मॉल के बाहर खड़ा होकर कर रहा हूँ व्लॉग, और थोड़ा सा शोर होगा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट व्लॉग शुरू करने से पहले ना सेल्फ प्रमोशन ज़रूरी है, तो पहले थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट्स देखो। सिनेमैटिक शॉट देखे, ये जो थे शूज़ के थे, और मेरी एक वेबसाइट है shop101/blogsing.com, तो यहाँ से आप जाके सिंपली शूज़ ले सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, बहुत अच्छे अच्छे कैटलॉग्स हैं, जाके चेक करो। धीरे धीरे उसके ऊपर और भी प्रोडक्ट्स ऐड करता हूँ मैं, मैनेज ये कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं और पूरा रीचेक होके जाता है, मतलब गारंटीड है कि आपके पास एकदम ओके रिपोर्ट चीज़ मिलती है। आज का जो व्लॉग होने वाला है, मतलब बहुत एंड वाला होने वाला है, क्योंकि आज का जो व्लॉग है ना कुछ सक्सेस से रिलेटेड है। तो आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। आपने जीनी सुना है कभी? जीनी और अलादीन वाली स्टोरी सुनी होगी सबने, सुनी है, मैंने भी सुनी है, आपने भी सुनी होगी। तो उसमें क्या था, अलादीन बोलता है जीनी को मुझे ये चाहिए, जीनी उसे वो ला के देता था, ठीक है ना। और ऐसा ही कुछ अगर मैं बताऊँ आपको ट्रिक्स, कि आपके पास अब तक खुद का जीनी है पर आपको नहीं पता वो कैसे मिलेगा। आपने मांगा कि मुझे मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए, और मिलियन सब्सक्राइबर्स जल्दी तो नहीं, थोड़े टाइम में आपको मिलेंगे, बट ऐसा कुछ सीक्रेट अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत बहुत बड़े लोगों ने भी किया, और ये ट्रिक से जो मतलब काफ़ी बंदे एक बहुत मतलब क्या बताऊं इतने ऊंचे मुकाम पे भी पहुंचे बहुत से लोग, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि ट्रिक क्या है, यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि यहाँ पर रश और शोर थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं घर जाके कंटिन्यू करता हूँ आ जाऊँ। तो हम जो बात करने वाले थे, हम बात करने वाले थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत बड़ी टर्म है, छोटा सा वर्ड है बट बहुत बड़ी टर्म है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने लगा तो घंटों लग जाएंगे, और अगर पूरी आपको मतलब एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, तो आप द सीक्रेट करके एक बुक आती है रोंडा बायरनी की, होंडा बायरनी की, वो आप ले सकते हो और उसको पढ़ो, बहुत कुछ लिखा यार। मतलब सक्सेस चाहिए ना तो वो बुक तो पढ़नी मस्ट है, और उस बुक की 21 मिलियन कॉपी सोल्ड हुई हैं, और बंदों के ना मतलब करियर सेट कर दिए उस बुक ने यार। और मैं भी वही बुक पढ़ के ना इतना मोटिवेट हुआ, मेरे एक फ्रेंड ने, मेरे मतलब भाई जैसे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड करी कि यार सनी तू पढ़ इस बुक को, और मुझे अच्छी लगी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो चीज़, ठीक है। तो इस बुक के अंदर एक्चुअली क्या है कि सारा हमें बताया हुआ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है। तो पहले तो मैं आपको इन शॉर्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाता हूँ। अपने तरफ अट्रैक्ट करना किसी चीज़ को, यानी कि आपको सक्सेस चाहिए, यानी कि आपको एक ऑडी चाहिए, ठीक है, ऑडी है, और आपका ड्रीम है ऑडी, आपकी ड्रीम कार है, ठीक है। तो आपको उसको अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, सिंपल स्टेप्स हैं, ज़्यादा कोई बड़े स्टेप्स नहीं है। आप सोचो कि आप ऑडी में बैठे हो, और फील करो कि ऑडी के अंदर बैठे हो, और सोचो कि आप ऑडी खरीदने गए हो, मतलब उसे ड्रीम करो, बट ड्रीम तक नहीं रहना, आपको उसके लिए थोड़ा थोड़ा वर्क करना शुरू करना है, ठीक है ना। और जिस दिन आपने उसके लिए वर्क करना शुरू किया, वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और हमारा ये सिंपल सा फॉर्मूला है जीनी की तरह, ठीक है, आपका यही जिन बनेगा और आपका यही अलादीन बनेगा और यही स्टोरी बनेगी। तो चलो चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो अभी जिस फॉर्मूले के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, उसका मैं पहला स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको पूछना है अपने आप से कि आपकी जो नीड क्या है, और आपको क्या बनना है, और आपका गोल क्या है, ठीक है ना। तो जैसे आपका गोल सेट हो गया, मान लो मुझे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स की रीच चाहिए, ठीक है, तो मेरा सबसे पहला गोल होगा 10 मिलियन सब्सक्राइबर, ठीक है ना। और उस चीज़ को मैं रोज़ अपने आप की तरफ फील करूँगा और उस यूनिवर्स को बता दूँगा कि भाई मुझे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए, और जब तक मुझे नहीं मिलेंगे मैं रुकने नहीं वाला, ठीक है। और अब स्टेप टू, तो अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है स्टेप कि हमें ना बिलीव करना है, ठीक है, विश्वास करना है कि जो कुछ जो हम कर रहे हैं, जो हम इतना कुछ यूनिवर्स की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसे हमारी तरफ आने के लिए बिलीव रखना है, कि कोई डाउट नहीं करना, कोई शक नहीं करना कि अगर जो हम काम कर रहे हैं ये आगे जाके सक्सेस होगा या नहीं होगा, क्योंकि हर एक चीज़ अचानक से नहीं होती है, आपको खुद को पता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ चीज़ों में टाइम भी लगता है, और अगर हम डाउट करेंगे तो हो सकता है कि अपना काम जो है ना 99% होने के बाद स्टॉप हो जाए।
तो डाउट नहीं करना, अपने आसपास पॉजिटिव वाइब्स को लेके रखना है। और आपको जैसे पता है कि एक नेगेटिव वाइब जो है ना इतनी सी होती है और वो पूरे करियर को बिगाड़ सकती है, और एक पॉजिटिव वाइब अगर आपके अंदर है ना तो वो करोड़ों नेगेटिव वाइब्स को क्रॉस करते हुए ना आपकी पॉजिटिव वाइब को आगे करेंगी। तो बस यही पॉइंट हमारे अंदर था कि हमें बिलीव करना है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, विश्वास रखना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैं ये कर पाऊंगा, ठीक है। और बढ़ते अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप अब आता है रिसीव, यानी कि जो हम कर रहे थे ना अब उसे रिसीव कर लो, चाहे आपको वो मिली या नहीं मिली चीज, मिलियन डॉलर चाहे नहीं मिले, बट उसे हम सोचें कि हमारे पास मिलियन डॉलर आ गया और उसे सोच के खुश हों, बट सेटिस्फिकेशन नहीं लेनी मिलियन डॉलर्स पे, क्योंकि हमें और भी आगे बढ़ना है, बट एक हैप्पीनेस रखनी है कि हमें वो चीज़ मिली और उसके लिए हम बढ़ना है। और फिर यूनिवर्स क्या करेगा, उस चीज़ को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। और आपने स्टोरी जैसे, अब इसके बाद मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, वो स्टोरी सुन के आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ आखिरकार किस चीज़ में वर्क करती है। और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि सच में क्या ये आपके लिए अलादीन का चिराग होगा या नहीं होगा, अगर ये चीज़ आपके लिए वर्क की। और तो एक आपको स्टोरी बताता हूँ, एक आदमी था जिसका नाम था जैक कैनफील्ड, ठीक है, ये इसकी लाइफ की एक स्टोरी सुनाता हूँ। उसका जो बाप था वो उसे कहता था कि अमीर बनने के लिए या तो लोगों को लूटना होता है, या फिर जो अमीर बना जाता है उसके लिए मतलब चोरी चकारी करके ही बना जाता है, कोई एक लेजिट वे नहीं है अमीर बनने का, उसके बाप का कुछ ऐसा सोचना था। बट जो उसका बेटा था जैक, वो सोचता था कि ये सब फालतू की बातें हैं। बल्कि जैक जो था ना वो अभी इस टाइम पे कुछ $8,000 पर मंथ कमा रहा था, ठीक है, और वो चाहता था कि वो एक टाइम पे $1,000,000 कमाए। और उसकी मुलाकात एक दिन डब्लू क्लेमेंट स्टोन नाम के व्यक्ति से होती है, ठीक है। तो वो उसे कुछ सिखाता है, वो उसे ये कहता है कि तुम अपनी तरफ अट्रैक्ट करना सीखो चीज़ों को, तुम्हारे पास जो चीज़ है ना उसे तुम ये मत सोचो कि यहीं रुक जाओ, बट जो तुम्हारे पास जो तुम्हें चाहिए उसे फील करो कि वो तुम्हारे पास है। अपनी लाइफ के कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट मिनट्स निकाल के वो मतलब बंदा एग्जामिन करने लग गया, एक दिन फील करने लग गया कि उसके पास $1,000,000 है। एक महीने तक कोई असर नहीं हुआ और दूसरे महीने तक भी कोई असर नहीं हुआ, बट तीसरे मंथ में उसके दिमाग में एक ऐसी चीज़ आती है जो आप सोच नहीं सकते। वो सोचता है कि उसने एक बुक लिखी है, और पहले तो मैं बताऊं कि ये आर्टिस्ट बंदा मतलब है कौन जैक एक बहुत बड़ा जो है ना बुक राइटर है, जिसने बहुत सी बुक लिखी हैं और मिलियंस बिलियंस बुक इनकी सोल्ड हुई हैं, और इनके बारे में जितना बताऊं उतना कम है। और उन्होंने एक दिन क्या किया, उन्होंने सोचा कि यार मैंने एक बुक लिखी हुई है, इसे मैं बेचता हूँ, अगर मेरी 400,000 कॉपी सोल्ड होती है सिर्फ $25 की एक बेच के, तो $1,00,000 तो यार बिल्कुल आराम से हो जाएंगे, $1,000,000 तो बिल्कुल आराम से हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, किसी पब्लिशर के पास गए, उन्हें बोला कि मुझे बुक्स बेचनी है, और पब्लिशर ने आइडिया दिया कि एक मैगज़ीन आती है जिसके अंदर टॉप बुक्स का नाम दिया जाता है, अगर आपकी बुक वहाँ से प्रमोट होकर आगे सेल होती है तो उसके बाद आप कुछ अर्न कर सकते हो। तो एक दिन ऐसा मतलब कर करके ना वो अपने आप को अट्रैक्ट कर करके उस $1,00,000 की तरफ जो है $1,000,000 की तरफ अट्रैक्ट करके वो मुकाम हासिल करता है, और वो आप सोच नहीं सकते कैसे होता है। उसको एक दिन कॉलेज में लेक्चर देने का मौका मिलता है, और उस लेक्चर में एक फ्रीलांसर राइटर होती है जो कि ना उस मैगज़ीन के अंदर जो है अपनी एक आर्टिकल्स पोस्ट करती है, तो उसकी उनसे मुलाकात होती है, और जो आर्टिस्ट होती है उनकी हेल्प करती है कि मैं उनकी बुक सोल्ड करवाऊँगी। और आप मानोगे नहीं कि उसी एक ईयर के अंदर अंदर वो $93,000 अर्न करते, $1,00,000 पूरा तो नहीं कर पाते बट $93,000 अर्न कर पाती है, कर पाता है राइटर। तो वो सोचता है कि अगर मैंने $93,000 अर्न किए तो मेरे लिए कोई $10,000,000 भी बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने वही सेम प्रोसीजर अपना के जो है ना वही सेम चीज़ अपना के $10,000,000 भी अचीव किए, और आज मार्केट में उनका बहुत बड़ा नाम है। तो अभी आपने पूरी वीडियो देखी, मैंने आपको तीन स्टेप्स बताए, सिंपल से रिमाइंड करवा देता हूँ। पहला, आस्क, पूछो अपने आप से क्या चाहिए, यूनिवर्स को बता दो क्या चाहिए। सेकंड पॉइंट हमें जो बताया वो है कि बिलीव, विश्वास करो कि जो काम कर रहे हो वो सही कर रहे हो, और अपने आप पे शक मत करो, पॉजिटिव वाइब्स को साथ लेके रखो। थर्ड पॉइंट, सिंपल एंड ईजी स्टेप जो सबसे था कि बस अपने आप को रिसीव करो, जो आप कर रहे हो ना समझो कि मिल गया आपको, और वही जो मिला था उसके अंदर हैप्पीनेस क्रिएट करो, खुश रहो, अच्छा रहो, मज़े करो मतलब। और ऐसे ही बहुत बंदे सक्सेस भी हुए, आपको कुछ स्टोरीज भी बताई मोटिवेशनल, और किसी बंदे की मतलब सक्सेस स्टोरी भी बताई मैंने जैक नाम की, और भी एक दो स्टोरीज बताई। तो बताना वीडियो कैसी लगी, और माफ़ी चाहता हूँ वीडियो लेट आ रही है बिकॉज थोड़ी सी तबीयत डाउन पड़ी है मेरी, और तो बताना अगली वीडियो थोड़ी टाइम पे ही रहेगी क्योंकि आज ही मैं निकल जाऊँगा शूट करने।
तो बताना वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करना, और अगर आपको लगी कि यार किसी के साथ शेयर करनी चाहिए ये वीडियो तो कर देना यार, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, अपना भी और आपका भी, आपको वीडियो देख के प्रॉफिट, मुझे वीडियो बना के प्रॉफिट। तो अगर और मतलब आगे और भी वीडियोस देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ये अपना यूज़र नेम आ रहा है, और ये दो वीडियोस देख लेना, मस्त वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर यार।